13 जनवरी को लोहड़ी के दिन सुखविंदर सिंह सरकार ने कैबिनेट की पहली बैठक रखी है। कैबिनेट की बैठक में ओपीएस को लेकर सरकार फैसला लेने वाली है। गौर हो कि चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पहले ही कैबिनेट में कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया था, साथ ही साथ 1,00,000 युवाओं को नौकरियां देने का भी वादा किया है, जिसको लेकर सुखविंदर सरकार कैबिनेट में फैसला ले सकती है। देखिए, सभी मंत्री अपने अपने विभाग का खुद रिव्यू कर रहे हैं। सब मंत्री जानते हैं कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। कोई टारगेट नहीं दिया गया, वो अपने मंत्रालय को खुद चलाएंगे। तो दृष्टिकोण स्पष्ट है, आम आदमी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारा कार्य पहुंचे, इस दृष्टिकोण से हम कार्य कर रहे हैं। और सभी मंत्री चाहते हैं ना, समय तो चाहिए, 3-4 साल चाहिए होता जब उसके परिणाम आने, तो आप 3-4 साल बाद परिणाम अच्छे सुखद देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जो अभी तक आवंटित नहीं हुए हैं, तो अभी तो हुआ है ना कैबिनेट विस्तार, अभी आगे भी होगा। कल से पहले कैबिनेट मीटिंग है और कई बड़े ऐलान की उम्मीद है। देखिए, लोहड़ी पे तोहफे मिले। कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद हमने वादा किया था कि जब भी पहली कैबिनेट होगी, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, अधिकारी जिन्होंने विकास के नए मील और आयाम स्थापित किए हैं, उनको हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते हैं। हम पूरा बजट के साथ कल हम अपने सरकारी कर्मचारियों को जो उनकी मांग थी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग में कहा, वो कल आपको देखने को मिलेगा। सर, पिछली सरकार में कर्मचारी काफी हताश था, बच्चे नहीं मिले, आप क्या आश्वासन दे रहे कर्मचारियों को अगले 5 साल? मैं तो कह सकता हूँ पिछली सरकार ने तो जनता को ठगा है, सच बता रहा हूँ। ये ठग सरकार की बात लीजिए, इस सरकार ने क्या किया कि 5 साल में ना भत्ते दिए, कर्जे पर कर्जा चढ़ाया, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका है। मेरा आपने वक्तव्य आज सुना है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे ठगना नहीं चाहिए सरकार को। 9,000 संस्थान खोल दिए यशवंत सिंह परमार, नहीं सॉरी माफी चाहूंगा, 900 संस्थान खोल दिए यशवंत सिंह परमार थे, उन्होंने धीरे धीरे संस्थान बनाए, रामलाल जी ने उसको मजबूत किया, वीरभद्र सिंह जी और शांता कुमार जी ने उसको धार ली, और धूमल जी ने भी उसको मजबूत किया, जयराम जी ने भी 4 साल तक इन संस्थानों के सारे काम किया। 4.5 साल में ऐसी 6 महीने में ऐसी क्या देवीय शक्ति आ गई, 900 संस्थान एकदम खुले, ना बजट का प्रावधान किया, बस खोल लो, इस बार चुनाव जीतना है। और खजाने को लाखों रुपए का चूना लगा, जनता को ठगा है। ये पिछली जो सरकार थी, ये ठग सरकार। सर, एक एक निजी सवाल है मेरा, ओक ओवर पिछले 1 महीने से खाली चल रहा है, क्या वजह है? कोई प्राइवेट, एक एक निजी सवाल है आपसे कि आप इसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहे? नहीं, अभी ये चल रहा है, अभी मैं जल्दी वहाँ शिफ्ट करूँगा। आपके मंत्री ने भी कहा है कि खजाना खाली है, क्या नहीं, रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर भी बातचीत हुई है हमारी, और उस दृष्टिकोण से हम अभी एक प्रेजेंटेशन मंत्रियों के सामने भी करने जा रहे हैं। आपने ठीक कहा, खजाना बिल्कुल खाली है, हमें अभी इस धर्मशाला विधानसभा में बजट कर्जा लेने के लिए बिल लाना पड़ा, क्योंकि खजाना में पैसा ही नहीं है। अब हमें सत्ता मिली हो, उन्होंने ये सोच कर कि अगर हम आगे तो हमको दिल्ली से मदद मिल जाएगी, ये आगे तो ये कर्जे के नीचे इतने दब जाए कि कुछ ना करें, लेकिन हम फैसले करेंगे और हिमाचल के लोगों के प्रति फैसले करने में हम हमेशा आगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल दिल्ली के साथ बिल्कुल अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा, मैं वहाँ जा रहा हूँ प्रधानमंत्री जी से भी मिलने और सब मंत्रियों से मिलने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सीमेंट फैक्ट्री की बात सुना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।